सर, जैसे आपने अभी बात कही ना कि वो 16 साल की उम्र में भी बन जाते हैं, जो नेपोटिज्म वाली बात जो आपने 2009 में भी कही थी ये बात नेपोटिज्म की, तो आप हरियाणा का जो ये नेपो सीन सिनारियो है, स्पेशली पॉलिटिकल सिनारियो, ये बड़ी फैमिली राज करती आ रही है, आपने भी कहीं भुगता है? भुगता ही होगा बहुत कहीं ना उगता है, कहीं। बहुत उगता है। हाँ 2014 का चुनाव था, मैं कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था। उस टाइम में इधर से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे और इधर से जो है ये अपना दुष्यंत ये चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस से मैं लड़ रहा था। उस टाइम में सोसाइटी का डिवीज़न हो गया था, ज़बरदस्त ओके डिवीज़न हुआ था दो भागों में, जाट लीडरशिप, नॉन जाट लीडरशिप। नॉन जाट लीडरशिप क्योंकि चौधरी बजेंद्रलाल के बेटे थे इसलिए उनको मान लिया गया, और जाट लीडरशिप में क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला के पैदे थे, दुष्यंत चौटाला, उनको जाट लीडर मान लिया गया। मैंने कभी जाति पाति में विश्वास नहीं किया, इसलिए न मैं जाट था न मैं गैर जाट था, इसलिए मैं बैठ गया किसी, मैं कहीं नहीं था। जब चुनाव हुए ना उस दिन मैंने कहा मैं गायब हूँ, चुनाव से मैं गायब हूँ, मुझे कोई रिजल्ट के इंतजार नहीं है, क्यों पता लग गया था। तो इसका मतलब ये है कि आज भी लोग जो है ना, जो बड़े परिवारों से आते हैं ना, उनका एक अलग ही किस्म की बातें लोग अब मानते हैं। अगर ये चीज़ ठीक हो जाए कि आदमी को देखें परिवार को ना देखें तो सब कोई फायदा है, लेकिन हो नहीं रहा है। स्वाभाविक है, देखिए कि परिवारों का असर आ रहा है। अच्छा, काम क्या हो गया कि आ यूं रहा है, उनका भी कसूर नहीं है। लोगों में एक भी आदमी भी राजनीति में है कोई आदमी, तो उसका परिवार सारा इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। देखो फिर नीचे वाले लोग, उनकी भी इच्छाएँ होती है, और फिर ऊपर वाले लोग भी अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि अब अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको इस्टेब्लिश कर दूँ, अब अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको इस्टेब्लिश कर दूँ। ये चीज़ें आ रही है, बिल्कुल हो रही है, हरियाणा में नहीं है, सारे देश में हो रही है और हर पार्टी में है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये आदमी कोई अगर अनमैरिड होगा तो वो तो एक अलग बात है। खैर,